नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आभा। लोकसभा चुनाव में कम या अधिक मतदान का फायदा किसे, वोटिंग के हर चरण के बाद लोग लगा रहे अनुमान। राजस्थान में 13 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ मतदान बीजेपी को डुबोएगा या तैराएगा। लोकसभा चुनाव में मतदान का एक और चरण सोमवार को संपन्न हो गया। इस चरण में देश के 9 राज्यों में 71 सीटों पर 62% मतदान हुआ। अकेले राजस्थान में भले ही 13 सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन 9 राज्यों में ये मतदान 2014 के मुकाबले 2.64% कम है। इससे पहले के चरणों में हुए मतदान में वोट प्रतिशत कम रहा है। अब मतदान कम हो रहा है तो इसके क्या संकेत हैं? कम मतदान का फायदा किस पार्टी को होगा और नुकसान किसे झेलना पड़ेगा? 29 अप्रैल को राजस्थान की 13 सीटों पर जबरदस्त मतदान के आखिर क्या मायने हैं? लोग इस पर व्यापक चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में इन सभी सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार 11 अप्रैल को पहले चरण में 69.45% मतदान हुआ और 18 अप्रैल के दूसरे चरण में भी ये 69.43% ही रह पाया, जो 2014 के 69.62% मतदान से कम है। काफी लोग देश की परिस्थितियों के लिहाज से इस आंकड़े को संतोषजनक मान रहे हैं और इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की पीठ थपथपा रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक दल मतदान के इस प्रतिशत की व्याख्या अपने अपने पक्ष में कर रहे हैं। मतदान का इतना प्रतिशत जिनके पक्ष में नहीं है, वे भी चुनाव के बीचों बीच कोई भी स्वीकारोक्ति करके अगले चरणों के लिए अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं और गोलमोल दलीलों के सहारे मतदान के आखिरी दौर तक भ्रम की स्थिति बनाए रखना चाह रहे हैं। वैसे गुप्त मतदान की व्यवस्था के चलते ठीक से कहां पता चल पाता है कि कम मतदान से किसे लाभ हुआ और ज्यादा से किसे फायदा, लेकिन राजनीतिक समीक्षक बहस के इस ऊंट को किसी एक तरफ बैठाने की कोशिश जरूर करते रहेंगे और आखिरकार इसमें कुछ हद तक कामयाब भी होते दिखेंगे। लेकिन इस कोलाहल में हमें 21वीं सदी के भारतीय मतदाता की राजनीतिक सूझबूझ को कम नहीं आंकना चाहिए, जिसके मन की थाह लेना आसान नहीं रह गया है। वो बखूबी जानता है कि किसे क्या और कितना बताना है। इसके बावजूद चुनावों के बीच जब वोटिंग हो रही होती है, तब वोटिंग प्रतिशत को देखकर संभावित विजेता का अनुमान लगाना लोगों का बेहतरीन शगल है। 11 अप्रैल को पहले चरण में जिन 91 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, उसमें 2014 के इनमें से 32 सीटें भाजपा ने जीती थी। पश्चिमी यूपी की जिन 8 सीटों पर मतदान हुआ, ये सभी सीटें भाजपा के पास थी। उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र में 5 में से 7, असम की 5 में से 4, बिहार की 4 में से 3 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन इस बार बिहार में इन 4 सीटों में से महज 1 सीट पर भाजपा चुनावी मैदान में है, बाकी 3 सीटों पर सहयोगी मैदान में है। चुनावी राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग उन राज्यों को केंद्र में रखकर कर रहे हैं जहां भाजपा मैदान में है, क्योंकि सिर्फ भाजपा की जीत और हार से ही केंद्र सरकार का भविष्य होना तय है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 2014 में सूबे में 62.15% मतदान हुआ था। जिस उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिकी है, वहां पर 63.69% वोटिंग हुई है। 2014 के मुकाबले सहारनपुर में करीब 4%, कैराना में करीब 9%, मुजफ्फरनगर में करीब 3%, बागपत में करीब 3% कम मतदान हुआ है। मेरठ के मतदान प्रतिशत में अंतर नहीं आया और बिजनौर में पिछले चुनाव की तुलना में अधिक वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पर 56% मतदान हुआ। पिछले चुनाव में इस सीट पर 69.39% मतदान हुआ था। बिहार की 4 सीटों पर पिछली बार से औसतन 1.5% कम वोटिंग हुई है। सवाल ये है कि क्या ज्यादा वोट पड़ने से किसी खास पार्टी को अन्य पार्टियों के मुकाबले ज्यादा फायदा मिल सकता है? कुछ निष्कर्ष मोदी समर्थकों को खुश करने वाले भी हैं। जी हाँ, कुछ विश्लेषक इन प्रश्नों के उत्तर में ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जो मोदी समर्थकों को खुश करने वाले हैं।
पिछले तीन लोकसभा चुनावों यानी कि 2004, 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो आम ट्रेंड सामने आता है। पिछले तीनों चुनावों में भाजपा ने उन सभी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जिनमें वोटिंग कम हुई। साल 2014 और 2009 के चुनावों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे शायद यही रहे कि जिन सीटों पर मतदान अधिक हुआ वहां भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि जिन सीटों पर कम वोट पड़े वहां भाजपा ने कांग्रेस पर बढ़त दर्ज की। आंकड़े साबित करते हैं कि 2014 में जिन सीटों पर कम वोटिंग हुई थी वैसी करीबन 23% सीटों पर भाजपा ने कांग्रेस को पछाड़ दिया। 2009 में ये करीब 3.6% और 2004 में करीब 5% सीटें थी। वहीं कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि ग्रामीण सीटों पर भी कम वोट पड़ने की स्थिति में भाजपा कांग्रेस पर बढ़त बना लेती है। ज्यादातर चुनावों में भाजपा और आरएसएस ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि उनके अधिकतर समर्थक वोट डालें, जबकि दूसरी तरफ जो पार्टियां कैडर आधारित नहीं हैं, उनके पास अपने समर्थकों की पोलिंग बूथ तक लाने के लिए मजबूत ढांचा नहीं होता, जिसके कारण ये पार्टियां बहुत ही कम समर्थकों को बूथ तक ला पाने में सफल हो पाती हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि पहले दौर पर कम वोटिंग, खासकर जहां 60% से कम मतदान हुआ है, वहां भाजपा समर्थकों को उम्मीद रखनी चाहिए कि कोई सत्ता विरोधी रुझान नहीं है। लेकिन राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान में 13 सीटों पर 67.2% मतदान करके वोटरों ने 67 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। क्या ये भाजपा के लिए खतरे का संकेत है? तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने SBT न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।